हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबीसी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बोर्ड मास के नियम से सवाल हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो बोर्ड मास का नियम होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ बी बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ये हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ये हमारा मझला होता है, ये हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे सवाल में ब्रैकेट आ रहे हैं तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, इसके बाद हम इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, इसके बाद हम इस ब्रैकेट वाली संख्या को हल करेंगे। दोस्तों, फिर इसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में हम का कहते हैं। तो अगर हमारे प्रश्न में का आ रहा है तो का के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद आता है डी, तो डी का मतलब होता है डिवीजन। तो इसके बाद हम हमारा चिन्ह भाग का आ रहा है तो उसके बाद हम भाग के चिन्ह को हल करेंगे। और इसके बाद आता है एम, तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे प्रश्न में गुणा का चिन्ह आ रहा है तो उसको हम हल करेंगे। और इसके बाद आता है ए, तो गुणा करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, तो इसके बाद हम जोड़ करेंगे। और सबसे लास्ट में होता है एस, तो एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाना करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न दिया है 3 + 15 / 5 - 5। तो दोस्तों, इसमें हमें ये पता करना होगा कि सबसे पहले हम भाग करें या घटाव करें या प्लस करें। तो हमारा बोर्ड मास का नियम बताता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले स्टेप को हल करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ऑफ लगाए तो उसके स्थान पर हम का चिन्ह लगाते हैं, अगर का लगाए तो का के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें का भी नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम भाग करते हैं, तो इसमें भाग का चिन्ह दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो 5 का भाग हम किस में देंगे, 15 में देंगे। तो 3 + 15 / 5 - 5, 5 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 3 + 3 - 5। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, या प्लस लगाए या माइनस लगाए। तो सबसे पहले हम प्लस वाले चिन्ह को हल करते हैं। तो प्लस प्लस की संख्या हम जोड़ लेंगे, तो 3 + 3 + है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। माइनस के 5, तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाना करते हैं। तो 6 में से माइनस के 5 हटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का 1 हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम बोर्ड मास के नियम से सवालों को हल करते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 42 + 14 / कोष्ठकम दिया है 10 - 3। तो इसमें कोष्ठक लगाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कोष्ठक का स्टेप होता है उसको हम हल करेंगे। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, 42 + 14 / तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, तो इसमें से प्लस के 7 बाहर निकल के आएंगे। अब दोस्तों, यहाँ चिन्ह किसके बचे हैं, प्लस का है या भाग का है। तो पहले हम किसके चिन्ह को सॉल्व करेंगे, भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो 7 का भाग हम किस में देंगे, हम 14 में देंगे। तो 42 + 14 / 7, 7 का भाग हम 14 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो यहाँ कितना आएगा, 42 + 2, 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44। तो दोस्तों, हमारा आंसर कितना रहेगा, 44 हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 24 + 36 - 8, अगले कोष्ठक में 20 - 5 / 2 × 2 और कोष्ठक 1। इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे कोष्ठक वाले स्टेप होते हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कोष्ठक को हल करेंगे, इसके बाद हम इस कोष्ठक को हल करेंगे। तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो 24 + 36 - 8 × यहाँ क्या है, 20 - 5 / 2 × 2। तो सबसे पहले इस चिन्ह में हम किसका चिन्ह भाग सॉल्व करेंगे, भाग का।
दो पाँच में हम किसका भाग देंगे, दो का, तो 20 माइनस 5 बट्टे 2 और गुणा 2, कोष्टक बंद। 2 से 2 कट जाएगा, 24 प्लस कोष्टक में 36 माइनस के 8 गुणा कोष्टक में, तो यहाँ क्या बचा है 5, तो 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा 15, कोष्टक बंद। 24 प्लस कोष्टक में 36 माइनस 15 गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा 120, कोष्टक 24 प्लस 120 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 84, चौबीस इस कोष्टक को लेंगे तो प्लस माइनस माइनस 84, माइनस के 84 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 60। तो दोस्तों माइनस का 60 हमारा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसको भी हम हल करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 40 गुणा 1/3 कोष्टक में 26 माइनस अगले कोष्टक में 8 प्लस 9 कोष्टक बंद अगला कोष्टक दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले कोष्टक को हल करेंगे, इसके बाद हम इस कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। तो इसको हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो 40 गुणा 1/3 कोष्टक में 26 माइनस 8 प्लस के 9 प्लस के, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, लेकिन कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस के जाएंगे, तो माइनस के 17। 40 गुणा 1/3 कोष्टक में 26 में से माइनस के 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बराबर 40 गुणा 1/3 इस कोष्टक को लेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा 3 से 9 कितना कट जाएगा 3 बार, तो 40 यहाँ क्या बचा है गुणा 3, तो गुणा 3, तो 40 गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 120। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर रहेगा 120। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।